न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। देश की एक बड़ी शख्सियत किसी दूसरी शख्सियत की जमकर तारीफ करी, वो भी एक खुले मंच पर, एक बड़े मंच पर, तो इस बात के, इस तारीफ के कई मायने निकाले जा सकते। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज वाराणसी के कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की है, उसके बाद इस बात को लेकर कयास तेज़ हो गए हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जा सकता है। कई मायने निकाले जा रहे हैं सीएम की इस तारीफ को लेकर जिस तरह से पीएम ने की है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में टूट की राजनीति, दल बदल की राजनीति, नई पार्टी बनाने की राजनीति देखने को मिल रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ जो कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं टूट होने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। दो विधायक बागी हो गए हैं और कहा जा रहा है कि जो मानसून सत्र शुरू होगा उसमें वे विधायकी से इस्तीफा दे सकते हैं। और इस बात को लेकर भी अटकलें तेज हैं कि दोनों ही विधायक अलग जो है पार्टी बना सकते हैं। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज़ होती दिखाई देने लगी है। किस तरह की राजनीति हो रही है छत्तीसगढ़ में, तो उधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ को लेकर किस तरह की चर्चाएं जोरों पर, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में टूट तय मानी जाने लगी है। पार्टी के दो विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा ने इसकी कवायदे कर दी हैं। इसको लेकर खबरें निकल कर आने लगी हैं, चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। 26 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान दोनों विधायक पार्टी से अलग होने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन देंगे। अगर अध्यक्ष इसे स्वीकार करते हैं तो उनके लिए अलग पार्टी बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने इस मामले में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पृथक दल बनाने के लिए 2-3 होना या पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा। मुंगेली लाल के हसीन सपने देखने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। वहीं विधायक देवव्रत सिंह ने कहा कि इस पार्टी की जो विचारधारा है वे पूरी तरीके से बिखर गई है और लोग इस पार्टी से निराश होकर अलग हो गए हैं। हम दो विधायक भी यही समझते हैं। उधर दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हमें कोई विधायक लाने की या किसी पार्टी को तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है, सत्ता पार्टी का जो बम्पर बहुमत है वे कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग कर रही है। किसी एक राजनीतिक दल को रोकने के लिए यह अच्छी बात नहीं है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दल बदल विधेयक के अनुसार जो प्रावधान है उस प्रावधान का पालन भी उन्हें करना पड़ेगा। अब हमारे पास रास्ते नहीं हैं। हम अगर छोड़ना चाहते भी हैं तो ये संभव इसलिए नहीं है कि या तो हमें इस्तीफा देना पड़े, तो जनता ने निर्वाचित किया है तो पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे जनता की बातों को लेकर। और जहाँ तक दल बदल का सवाल है, 4 में से जब तक 3 विधायक कहीं जाएंगे नहीं तो दल बदल संभव नहीं है, दल बदल हो नहीं सकता। पर अपने संवैधानिक अधिकार के तहत में हमने अध्यक्ष महोदय से हमने ये मांग रखी कि हम पार्टी में विभाजन चाहते हैं, विखंडन चाहते हैं। हमारे यहाँ संख्या बल तो 3/4 अधिक है। हमें कोई विधायक लाने के या तो किसी पार्टी को तोड़ने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के सामने वो अलग बैठने का यदि प्रस्ताव देते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष का विवेकाधीन है वो किस प्रकार से वो फैसला करते हैं। मगर दल बदल विधेयक के अनुसार जो प्रावधान है उस प्रावधान के पालन भी उनको करना पड़ेगा। अब हमारे पास रास्ते नहीं हैं। हम अगर छोड़ना चाहते भी हैं तो ये संभव इसलिए नहीं है कि या तो हमें इस्तीफा देना पड़े, तो जनता तो सुना आपने नेताओं का क्या कहना है और जो इस्तीफा देने की बात कहते विधायकों की बात है उनका क्या कुछ कहना है, इस खबर पर बात करेंगे। सीधे रुख करेंगे रायपुर न्यूज़ रूम का। नितिन चौबे जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ स्टेट। नितिन, कई मुद्दों को लेकर सियासत तो अक्सर और आम तौर पर देखी गई छत्तीसगढ़ में, लेकिन आज जिस तरह से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई जनता दल कांग्रेस को लेकर बात की जाए, जनता जो कि कांग्रेस को लेकर दो विधायक कहीं ना कहीं निराश है पार्टी की नीति रीति और उसके चाल चलन को लेकर। लेकिन जिस तरह से अलग दल बनाने की कवायदे होने की बात निकल कर सामने आ रही, उनका इस्तीफा देने की अटकलें तेज़ होती दिखाई देने लगी, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ जनता
कांग्रेस है उसमें टूट की खबरें पुरजोर तरीके से जो है बल के साथ जो है राजनीतिक गलियारों में गूंजती सुनाई देने लगी है, क्या कहीं से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की मौत के बाद से ये अटकलें काफी तेज हो गई थी कि कहीं ना कहीं पार्टी का विभाजन होना संभव है, क्योंकि पिछली विधानसभा में पहली बार राजनीतिक तीसरे मोर्चे के रूप में अजीत जोगी क्योंकि उस समय स्वयं मौजूद थे और पार्टी ने अच्छी खासा वर्चस्व दिखाया था, खासकर कि बसपा के साथ जो गठबंधन करके चुनाव लड़ा था 2018 का जोगी जनता कांग्रेस ने, उसमें 7 सीटें ली थी जिसमें से 5 जोगी कांग्रेस की थी और 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी की, एक अच्छा खासा जगह बनाई थी तीसरे मोर्चे के रूप में छत्तीसगढ़ की विधानसभा के अंदर। और वही बात करेगी जोगी सुप्रीमो के निवंगत होते ही पार्टियों में जो गठबंधन की गतिविधियां वो काफी कुछ तेज हो गई थी, खास करके विचारधारा और वर्किंग प्रणाली को लेकर, उसको लेकर अब हाल ही में जब विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा और उसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष को भी पार्टी से विभाजन करने बैठने की अलग अनुमति देने के लिए जो पत्र लिखा उसको लेकर साफ हो गया है कि अब जोगी जनता कांग्रेस का विभाजन निश्चित है। हालांकि उसमें कुछ तकनीकी पहलू हैं जिस तरह से देवव्रत जिक्र कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि अगर कोई पार्टी विधानसभा के अंदर उसके जितने विधायक हैं और वो कहीं दल बदलना चाहती है, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा है वो कांग्रेस जा सकते हैं, इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही है और उसमें बोला जाएगा कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है कि जब 2/3 विधायक ही किसी अन्य दल में जाना चाहे तो दल बदल कानून उसके ऊपर नहीं लागू होता, जिससे कि खतरा रहता है उनकी विधायकी आने के या निलंबित 6 साल के लिए विधायकी या किसी पद से निलंबन का जी। तो इसको लेकर जो खासकर ये लगाया गया कि अभी देवव्रत सिंह ने जो आवेदन लगाया है माननीय विधानसभा अध्यक्ष के सामने, उन्होंने पार्टी से अलग बैठने का एक अनुमति मांगी है, ये मांगना जा रहा है कि दल बदल विधेयक के तहत वो एक अलग पार्टी बनाकर अलग दल बनाकर बैठ सकते हैं और बाद में ये संभावना जताई जा रही है कि अगर उसकी अनुमति मिल जाती है तो उस पार्टी का विलय जिस भी वो पार्टी में कांग्रेस या भाजपा में जाना चाहते हैं उसमें विलय हो जाए। उसके बाद से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई, हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नागपुर की साफ तौर पर जाहिर किया कि हम सर्वाधिक बहुमत 3/4 से ज्यादा का बहुमत हमारे पास है जी। तो हमें किसी के दल बदलने की या किसी विधायक को में शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर कहीं ना कहीं तानाकशी करते हुए नजर आया। साफ तौर पे देखा जा सकता है पिछली राजनीतिक गतिविधियों को अगर हम देखें तो कई लगाई गई कि 3 बार सत्ता से विमुख रही कांग्रेस, कहीं कहीं कारण अजीत जोगी दबिश्वर में रहे आए और खासकर की जो वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अध्यक्ष बने और उसके बाद अजीत जोगी को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया गया और उन्होंने नई पार्टी बनाई थी, तो ये निश्चित तौर पे माना जाता रहा है कि अजीत जोगी के विरोध में हमेशा वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है या उनके नेतृत्व वाली पार्टी कांग्रेस रही है, खास करके उनको अलग करने के बाद इसे। और जब इसको लेकर ये कवायद चालू हुई तो विपक्ष को एक मौका मिला और पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी का हाथ होना निश्चित तौर पर माना जाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया पिछले मारवाही उपचुनाव जहां पर जोगी जनता कांग्रेस की प्रतिनिधि थी पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की, उनका जो नामांतरण है वो अंकन है वो निरस्त कर दिया गया था, वो चुनाव नहीं लड़ पाई, मतलब जोगी कांग्रेस के बिना ही मारवाही का उपचुनाव हुआ था। उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ना कहीं सत्ताधारी पार्टी किसी राजनीतिक दल के विघटन में जिम्मेदार है और अगर ये विघटन होता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार हो। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह ने तो ये कहा साफ तौर पे, चूंकि वो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तकनीकी पहलुओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, उन्होंने साफ तौर पे दल बदल कानून का जिक्र करते हुए कहा कि अगर ये विधायक अलग से बैठना चाहते हैं तो उनको दल बदल कानून के जो भी प्रावधान है उसका पालन करना होगा। उसमें लेकिन साफ तौर पे ये बोला जा सकता है कि अजीत जोगी कांग्रेस में अभी वर्तमान में 4 ही विधायक हैं, स्वयं उनकी पत्नी रेणु जोगी जी और विधायक धर्मजीत सिंह, विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा, ये 4 विधायक। ये माना जा रहा था कि ये 3 विधायक पार्टी की गतिविधियों के चलते
अलग हो सकते हैं और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि धर्मजीत सिंह कई भाजपा का रूप कर सकते हैं, जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा कांग्रेस का रूप कर रहे हैं। लेकिन इसमें अटकलें यहां अटक गई कि तीन विधायकों के साथ अलग बैठने का प्रावधान जो है इसमें अटकता हुआ नजर आया, जिसके कारण ये कानूनी देवकुंड फंस गए हैं। और अभी फिलहाल सब कुछ दारोमदार विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि वो विधायकों को अलग बैठने की परमिशन पहले देते हैं। और दूसरा, इसमें साफ तौर पर बोला जाएगा कि विधायक देवव्रत सिंह की जो विचार है अपनी दर्शकों को सुनवाए, उनमें साफ तौर पर उनका कहना है कि कभी कभार विधानसभा के अंदर कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको लेकर सदन में बोलने की रहती है, लेकिन पार्टी की विचारधारा उससे मेल नहीं खाती, चलते जो विधायकों का या उनके जिन जनता ने उनको चुन किया है वो उनके लिए साफ नहीं कर पा रहे। और साफ तौर पर यही कारण है अजीत जोगी की जनता कांग्रेस के विघटन का। बिल्कुल नितिन, और अभी तक जनता जो कि कांग्रेस को लेकर बात की जाए तो अभी तक की विपक्ष का जो रोल अदा कर रही है, न तो किसी मुद्दे को लेकर सरकार को लेकर काफ़ी एक्टिविटी नज़र आई इस पार्टी में, और ना ही किसी अन्य बातों को लेकर कोई बड़ी गतिविधि इस पार्टी में देखने को मिली। लेकिन अचानक इसको अचानक ही कहा जाएगा कि एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई कि दो विधायक निराश हैं उसकी नीति से, उसकी कार्यप्रणाली से, तो ऐसे में इस्तीफे की बात कहते नज़र आ रहे हैं। तो क्या वजह मानी जाए, किस तरह की नीतियाँ रहीं जो इन विधायकों को नहीं पच पा रही, और अमित जोगी एक अलग ही बात कहते नज़र आ रहे हैं कि मुंगेरी लाल के सपने देखने से कोई किसी को नहीं रोक सकता, क्या कहने? जी, अमित जोगी ने तो ट्वीट भी किया और कानूनी पेचीदगी को वो जानते, इसलिए उन्होंने दो और तीन और टीम एबीसी का जिक्र किया, और टीम एबीसी का जवाब भी देवव्रत सिंह ने अपनी बाइट के जरिए दिया है। लेकिन ये बोला जा सकता है कि अजीत जोगी जिस हिसाब से पार्टी की गतिविधियां और विचारधारा लेके चलते थे, छोटे से छोटे युवा नेताओं को लेकर और जिस तरह से उनके जो कार्यप्रणाली थी, और चूंकि अमित जोगी जिनके हाथ में अभी अजीत जोगी कांग्रेस की कमान आई है, उनको युवा नेता है, उनकी विचारधारा अलग है, समय पड़ने पर निजी रूप से अमित जोगी जरूर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को घेरने का प्रयास करते हैं, चाहे वो लेमरू हो, जाति सर्टिफिकेट का मामला हो या अन्य कुछ मुद्दे हो, किसानों का मामला हो, कोरोना का मामला हो या अन्य, अमित जोगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस के ऊपर पंज कसते या तो घेरते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहीं पर भी साफ तौर पर यह देखा जाता है कि विधायक दल की जो एकजुटता होती है खासकर की सदन के अंदर, वो उस तरह से प्रश्न भी नहीं उठाए जाते और किस तरह की चीजें जो एक जो सत्ताधारी पार्टी के विरुद्ध में एक विकट खड़ी एक तीसरा मोर्चा की पार्टी सबसे एग्रेसिवनेस होनी चाहिए, वो सामंजस्य के कारण कहीं ना कहीं कमी होती दिखाती है। यही कारण है कि आज एक विघटन की ओर एक कदम बढ़ता हुआ दिख रहा है जो भी जनता कांग्रेस का, और ये केवल विघटन का कारण बोला जाएगा विचारधारा का अलग होना। अमित जोगी की जो कार्यप्रणाली है भली भांति जानती है, राजनीतिक लोग भली भांति जानते हैं, और देवव्रत सिंह भी एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के इंसान है, राजनीति से उनका एक लंबा अनुभव रहा है, धर्मजीत सिंह भी एक जाने माने विधायक और पूर्व मंत्री हैं, उनको भी राजनीति का एक अच्छा खासा अनुभव है, तो निश्चित तौर पे बोला जा सकता है कि अपनी अपनी विचारधारा एक सुप्रीमो के जाने के बाद जो कि पार्टी के लिए खासकर कर्णधार होता है, बहुत कम राजनीतिक दल होते हैं जो लंबे सर्वाइवल की ओर चल पाते हैं, नहीं अन्यथा इसी तरह का विघटन का स्वरूप किसी भी राजनीतिक दल को देखना पड़ सकता है। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी नितिन के जिस तरह से अब तस्वीर बदलने की कवायदें यहाँ पर तेज़ होती दिखाई दे रही हैं, और तस्वीर का असली रूप तब सामने आएगा जब मानसून सत्र शुरू होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि तभी ये विधायक अपना इस्तीफा दे सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। फिलहाल क्या कुछ तस्वीर बनेगी देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को लेकर, और इस तरह के संकेत मिलने लगे हैं कि कहीं ना कहीं इस पार्टी में टूट हो सकती है। दो विधायक निराश हैं जो बगावती सुर अपनाते नजर आ रहे हैं, विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस्तीफे की बातें इनको लेकर चर्चाओं में बनती दिखाई दे रही है, और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये दोनों विधायक इस पार्टी से